आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा और सीओपीडी के बारे में कि अस्थमा और सीओपीडी में क्या फ़र्क है। असल में बहुत सारे लोगों को सीओपीडी और अस्थमा एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि दोनों के सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं। सांस फूल जाना, सांस का ना आना, आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ में बाधा पड़ना क्योंकि सांस फूल जाती है, थकान ज़्यादा होती है, छाती में जकड़न महसूस होना, खांसी आना, बलगम आना। लेकिन दोनों में फिर भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम इसके फ़र्क के बारे में बात करें और आप जानना चाहते हैं कि अस्थमा और सीओपीडी में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। अस्थमा सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है किसी भी उम्र के व्यक्ति में, लेकिन सीओपीडी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अस्थमा जब भी किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसके पीछे के कारणों की अगर हम बात करें तो अस्थमा का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड। यानी पिता को अस्थमा था तो बेटे में आ गया, या दादा को अस्थमा था तो बेटे में आ गया या पोते में आ गया, तो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सीओपीडी की, तो सीओपीडी यानी सी फॉर क्रॉनिक, ओ मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव, P means pulmonary and D means disease. तो ऐसा disease जो chronic है, chronic यानी जो बहुत समय से है, तो अक्सर ये कब देखने को मिलता है, ये आपकी बड़ी हुई एज में देखने को मिलता है। मतलब 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र में आपको COPD की शिकायत होती है। अगर इसके कारणों की बात करें तो अक्सर क्या देखने को मिलता है कि जब आपको रेस्पिरेशन से जुड़ी कोई भी समस्या है और वो धीरे 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 होते होते आपको 10 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल हो गए हैं, तो आपके शरीर में जब वो बड़ा रूप ले लेता है तो उसे कहा जाता है COPD। तो आप समझ गए होंगे कि COPD और अस्थमा में क्या फर्क है सबसे पहले। लेकिन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स एक जैसे ही आपको दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही जो समस्या है वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई समस्या है। दोनों में ही इंफ्लामेशन होता है और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपको सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो अस्थमा को काफी इजीली क्योर किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। लेकिन अगर उसी के दूसरी तरफ मैं बात करूं सीओपीडी की, तो सीओपीडी को जड़ से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसको केवल मैनेज किया जा सकता है, यानी आपकी बढ़ती हुई समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म कर पाना नामुमकिन होता है, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि सर हमें सीओपीडी है, क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिंस 100% साइड इफेक्ट फ्री होती हैं, लेने में आसान होती हैं, इसलिए पेशेंट्स इसको जल्दी से और आसानी से ले पाते हैं और इसका रिजल्ट भी उन्हें काफी जल्दी मिल जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आके वर्क करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इसे जड़ से ठीक करना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज है ना, यानी समय के साथ अब ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होती है जिसको खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपना सवाल उनके साथ शेयर कर सकते हैं, डिटेल में आंसर्स जान सकते हैं और अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।